जय हिंद और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया रिव्यू में। इस एपिसोड में मैं रिव्यू करूंगा छपाक को। तो चलिए जानते हैं ये फिल्म कैसी रही और शुरू करते हैं। निर्भया केस के बाद मालती की कहानी लोगों तक पहुंचाना और भी जरूरी हो गया है। मालती जी, आप अपना चेहरा दिखाएंगी ताकि पब्लिक को इस हिंसा की गहराई दिख सके। छपाक एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है जो कि लक्ष्मी अग्रवाल की कहानी बताती है। लक्ष्मी एक एसिड अटैक सर्वाइवर है। यह फिल्म लक्ष्मी जैसी कई और महिलाओं की पीड़ा पर रोशनी डालती है। फिल्म की कहानी मालती के बारे में है जो एक एसिड अटैक के बाद अपनी जिंदगी फिर से चालू करने की कोशिश करती है और समाज का ध्यान उसके जैसी लड़कियों की तरफ केंद्रित करते हुए कानून को बदलवाने का प्रयास करती है। फिल्म में दीपिका पादुकोण जो मालती का पात्र निभाती हैं और विक्रांत मासी जो अमोल का पात्र निभाते हैं वे मुख्य पात्र हैं और इस फिल्म का निर्देशन मेघना गुलजार ने किया है। छपाक एक संवेदनशील और शक्तिशाली फिल्म है जो महिलाओं के खिलाफ एक जघन्य अपराध से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कहानी बताती है। फिल्म में दीपिका की एक्टिंग काफ़ी ताकतवर है, जैसे कि एक सीन जिसमें दीपिका अपने चेहरे को पहली बार देखती है उन पर हमला होने के बाद। दीपिका सिर्फ एक मुखौटा या मेकअप नहीं पहनी है पर वो कैरेक्टर के अंदर अच्छे से घुस चुकी हैं। फिल्म में अन्य अभिनेताओं का बड़ा नाम ना होने के कारण उन लोगों की एक्टिंग भी काफ़ी वास्तविक लगती है। निर्देशक मेघना गुलजार ने इस मामले को काफ़ी नाजुक तरीके से संभाला है, लेकिन फिल्म को बीच में से शुरू करना शायद उतने अच्छे से काम नहीं किया। मालती की कहानी काफ़ी मार्मिक है, लेकिन मेघना के निर्देशन में काफ़ी पात्र जैसे मालती का भाई और कोर्ट कचहरी के सीन्स को थोड़ा और विस्तार से दिखाना चाहिए था। ये समझ आता है कि फिल्म सिर्फ मालती की पीड़ा दिखाना चाहती है, लेकिन उसमें ये पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाती और एक बार फिल्म थोड़ी उलझन में प्रतीत होती है। फिल्म के तीसरे भाग की तरफ फिल्म मालती और अमोल की प्रेम कहानी बन जाती है। मेरे हिसाब से ये सीन्स काम नहीं किए और शायद फिल्म से हटाए जा सकते थे या फिर किसी और तरीके से किए जा सकते थे। फिल्म एक अच्छा संदेश देती है, लेकिन हमें ऐसी जगह पर छोड़ देती है जहाँ पर दर्शक ये सवाल करते हैं कि आगे क्या किया जाना चाहिए इस बारे में। अंत में ये कहना चाहूँगा कि आप ये फिल्म ज़रूर देखिए। ये फिल्म लक्ष्मी जैसे एसिड अटैक सर्वाइवर्स की कहानी है। ये फिल्म कुछ ऐसी चीज़ों पर रोशनी डालती है जैसे कि एसिड का बड़े आराम से बिकना, एसिड अटैक की सज़ा जिसके लिए मालती फिल्म में लड़ती है और आईपीसी को बदलवाती है, और सबसे महत्वपूर्ण औरतों के खिलाफ होने वाले ऐसे जघन्य अपराध। चलिए आ जाते हैं रेटिंग्स पे। तो इस फिल्म की एक्टिंग के लिए मैं दूंगा इसको 5 में से 3.5 स्टार। इस फिल्म के डायरेक्शन के लिए मैं दूंगा इसको 5 में से 3 स्टार। कुल मिला के इस फिल्म को मैं दूंगा 5 में से 3 स्टार। अब इस फिल्म के बारे में जो चर्चाएँ हो रही हैं उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। छपाक के रिलीज़ होने से 2-3 दिन पहले दीपिका JNU में हुई हिंसा के कारण वहाँ पहुँची और वहाँ जाके उन्होंने वामपंथी छात्रों से मुलाकात करी। फिल्म के रिलीज़ होने से पहले कोई इस फिल्म के बारे में जानता नहीं था, लेकिन उस मुलाकात के बाद सब जगह इस फिल्म की चर्चा होने लगी। यह एक अच्छी बात है, लोगों को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। लेकिन सिर्फ वामपंथी विद्यार्थियों से मिलके उन्होंने दक्षिणपंथ के छात्रों को अलग कर दिया। इससे दर्शक बढ़ गए और ये फिल्म जिसका संदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है वो एक फालतू की डिबेट और बहसबाजी में शायद कहीं खो सा गया। इस फिल्म के बाद शायद दीपिका प्रधानमंत्री से मिल सकती थी और इस मामले के बारे में और जागरूकता फैला सकती थी, लेकिन वो मौका शायद अब हाथ से छूट गया। अगर आप इन महिलाओं की मदद करना चाहते हैं तो आप इनको डोनेट कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये बहुत ही शक्तिशाली महिलाएं हैं और मेरा इनको शत शत नमन है। चलिए ये था आज का रिव्यू। अगर आप मेरे विचारों से असहमत या सहमत हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मंचे मूवीज़ पे इसके बारे में बता सकते हैं। अब मैं मिलूंगा आपको अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।